हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 30 नवंबर 2016 को पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर टू में, जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 का एक सेट्स होता है एसएससी सीजीएल में, मेंस का मतलब कि टायर टू का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के बारे में। इसको हम लोगों ने पार्ट वन रखा है, तो 1 to 15 मतलब 15-15 क्वेश्चंस का सेट हम लोग लेंगे और उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि जो टायर टू का क्वेश्चंस आया था, मतलब कि मेंस का क्वेश्चन आया था, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो आज से हम ये सेशन लेंगे, हर दिन 15 क्वेश्चंस को लेंगे और उसका सॉल्यूशन, और उसका जो अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले बात मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं एक तरफ ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करवाऊंगा आपसे कि ट्रेडिशनली कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ अच्छा भी ट्रिक है जिसको अपन एग्जाम में फॉलो करेंगे, वो दोनों मेथड अपन पैरेलली देखेंगे। तो क्या बोला है, ईच मेंबर ऑफ ए क्लब कंट्रीब्यूट्स एज मच रुपीज एंड एज मच पैसे एज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब। मतलब इसका कहने का मतलब है कि उस क्लब में जितने मेंबर है, सपोज 5 मेंबर्स है, तो वो क्या करता है, हर एक मेंबर्स 5 रुपया और 5 पैसा खर्च करता है। क्या बोला है, कंट्रीब्यूट्स एज मच रुपीज, मतलब कि जितना मेंबर है उतना ही रुपया और उतना ही पैसा। यदि 10 मेंबर्स है तो 10 रुपया और 10 पैसा हर एक आदमी खर्चा करता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको दिया गया है 2525, देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब। अब देखिए एन मेंबर्स है तो वो तो एन रुपीज खर्च करेगा, प्लस एन पैसा कहने का क्या मतलब होता है, 0.01 एन, इतना पैसा हो जाएगा। देखिए एक पैसा कहने का क्या मतलब होता है आपको, 0.01 रुपीज होता है कि नहीं होता है। तो सिमिलरली यदि एन पैसा अपन कहे तो एन पैसा कहने का क्या मतलब होता है, 0.01 एन रुपीज होगा। तो इसको हम लोगों ने रुपीज में कन्वर्ट किया, इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 2520। अब देखिए यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एन स्क्वायर इंटू 1.01 आएगा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 2520। यदि इसको डेसिमल को नीचे लाएंगे तो ये कितना टाइम, 2525 है, तो ये कितना टाइम्स आएगा, 101 में आप 25 से गुना करेंगे तो उतना आएगा। तो एन स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना आया, 2500। इसका कहने का मतलब एन का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 50। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, बट एग्जाम में इसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। तो देखिए 60 आदमी है तो सब आदमी 60 रुपया 60 पैसा अपन खर्च करेगा, तो 60 गुना 60 ही 3600 हो जाता है, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी देखेंगे तो 45 गुना 45 2025 और 45 पैसा खर्च करेंगे, ये भी नहीं आ रहा है। 55 में 55 से ही गुना कर रहे हैं तो आपको 3025 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बच क्या जाता है, 4। इसको यदि आप सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 50.50 रुपीज प्रत्येक आदमी खर्चा करेगा। इसको आप 50 से गुना करेंगे तो 50 गुने 50 2500 आ जाएगा, 50 गुने.50 मतलब 50 का हाफ कितना होगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2525, मतलब कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कम समय में, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय आपको कम रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि ऑप्शन से अपन क्वेश्चन बन रहा है तो ऑप्शन से ट्राई कीजिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 5455 एंड 445। तो इसका सम आपको कितना हो जाएगा, इसका सम आपको 1000 हो जाएगा। तो अ नंबर इज डिवाइड, सपोज एक नंबर एक्स है उसको 1000 से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज कोफिशियंट। तो इसका जो है 555 और 445 का डिफरेंस कितना है,
110। तो कोफिशियंट, कोशियंट, कोशियंट कहने का मतलब क्या होता है? शेषफल। कोफिशियंट कहने का मतलब आपको शेषफल नहीं, इसको अपन भागफल बोलते हैं। कोफिशियंट को भागफल बोलते हैं, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। तो भागफल क्या बोला है? गिव्स टू टाइम्स देयर डिफरेंस एज कोशियंट, मतलब कि टू टाइम्स डिफरेंस कितना है? 110। इसका टू टाइम्स मतलब 220 आपको कोशियंट मतलब कि भागफल दे रहा है। एंड 30 एज रिमाइंडर, मतलब कि 30 आपको क्या दे रहा है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को अपन क्या बोलते हैं? शेषफल। तो आपको एक चीज तो पता है, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब देखिए एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा आपको? 220 इंटू 1000 प्लस 30। इसको अपन यदि सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 220030। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन एक, मतलब कि ऑप्शन वन विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, चलिए वाई एक डिवाइजर है उसे डिवाइड करते हैं। इट इज सीन दैट डिवाइजर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशेंट, मतलब कि अपन वाई क्या ले लिए? डिवाइजर को जेड अपन ले लेते हैं कोशियंट को, और आर ले लेते हैं रिमाइंडर को। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, इट इज सीन दैट द डिवाइजर, डिवाइजर मतलब क्या है आपका? वाई है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशियंट, मतलब कि 4 टाइम्स जेड आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू डबल द रिमाइंडर, मतलब 2R दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि वो दिया क्या गया है? इफ द रिमाइंडर इज 80, मतलब कि वाई बराबर क्या हो जाएगा? 80 इंटू 2 160, जेड बराबर कितना हो जाएगा? 40, और आर तो 80 दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है? एक्स का वैल्यू निकालना, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई जेड प्लस आर। अब देखिए वाई जेड मतलब कि 160 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 6400 प्लस 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6480। सो ऑप्शन वन विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सबसे पहली बात, इसको दो अप्रोच से बनाएंगे, पहला यह है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। पहला अप्रोच क्या बोला है कि व्हेन ए सर्टेन नंबर डिवाइडेड बाय 342, मतलब 342n हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल आपको कितना दिया है? 47। ओके, इफ द सेम नंबर, ये आपको नंबर है दिया आया कि नहीं? यदि सेम नंबर को, मतलब कि 342 बाई एन प्लस 47 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 18 से। 342 है। अब देखिए 18 से क्या 342 जा रहा है? 18 से यदि इसको काटेंगे, 18 वन जार 18 बच गया कितना? 16, 16 162, 18 90, मतलब कि ए तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपको बच क्या गया? 47 बाई 18, 18 दूना 36, 11, मतलब कि आपको रिमाइंडर कितना बच गया? 11 बच गया। तो ए तो अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या है? अब सबसे छोटा से छोटा संख्या ले लिए जिसमें 342 से यदि आप डिवाइड करें तो 47 रिमाइंडर बचता है, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा? 342 प्लस 47। ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा नंबर। अब इसी नंबर में आपको 18 से भाग देना है, तो 342 बाई 18 प्लस 47 बाई 18। अब देखिए ये तो कट जा रहा है, तो रिमाइंडर इस केस में 0 आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर आपको कितना आएगा? 11। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू विल बी आवर राइट आंसर। जो भी अप्रोच आपको अच्छा लग रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 252। तो चलिए थ्री नंबर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड 252 दिया गया है। आगे क्या दिया गया? इफ द फर्स्ट नंबर इज, मतलब कि एक्स इज थ्राइस द सेकेंड नंबर, मतलब कि 3y के बराबर है, एंड थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आपको क्या है? जेड। थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट, मतलब कि 2/3 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स के जगह पे आप 3y रख सकते हैं प्लस वाई,
प्लस जेड के जगह पे आप कितना रखेंगे, 2y3x, और एक्स के जगह पे अगेन 3y रख दीजिए आप। इसका सम आपको कितना दिया गया है, 252। अब देखिए, 3 से 3 कट गया, 3y प्लस वाई 4y प्लस 2y 6y इज इक्वल टू कितना आया, 252। 6 से यदि काटेंगे, 6 चक्का 24, 1 6 दूना 12, मतलब y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 आपसे पूछा क्या गया है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर तो आप y ही लिए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। देखिए, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन यदि SSC पूछता है उसमें से आपको 85 to 90 क्वेश्चंस आपको टाइम के विदिन बनने वाले ही पूछे जाते हैं। उसमें से हार्डली 10 या 15 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपसे 1.5 मिनट या 2 मिनट भी ले सकता है, या हो सकता है आपसे क्वेश्चन बने ही ना। तो इजी क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 323। तो 3 पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई जेड ले लेते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 323 दिया गया है। अब आपसे पूछा दिया क्या गया है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ट्वाइस द थर्ड, मतलब कि 2z के बराबर दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स वाई जेड देयर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपसे एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है। अब देखिए, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 323 माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको इसमें रखेंगे तो 323 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसको उस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 323 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जिन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने में प्रॉब्लम है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल फर्स्ट वीडियो देखे, वहाँ पे रूट कैसे निकालते हैं मैंने बताया। पूरा का पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बैंकिंग में इनइक्वालिटी पूछा जाता है, तो बाकी के पार्ट्स में मैंने इनइक्वालिटी को डिस्कस करा है। तो जस्ट रूट निकालने के लिए यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 का। यहाँ से आप इसको यदि फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर आएगा, 19 माइनस 17। रूट निकालना है तो जेड स्क्वायर के कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग दे दीजिए। तो ए कितना आया आपका आंसर, माइनस 19 और 17 आया। अब देखिए, 3 पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, मतलब कि माइनस 19 तो होगा ही नहीं, तो आपको जेड का वैल्यू आपको कितना आएगा, 17। तो क्या आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, क्या आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे तभी आप एक्स वाई जेड का वैल्यू का आंसर दे पाएंगे। तो इसको निकालने में आपका टाइम किल होगा। अब देखिए, एक्स वाई और 17 का वैल्यू निकालना है, जेड के जगह पे 17 निकालना है, तो जो आंसर आएगा प्रोडक्ट वो तो 17 से बिल्कुल डिविजिबल होगा ही होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, 17 इकाई 17 8 17 5 85, मतलब कि ए तो जा रहा है, ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन ए जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या और भी ऑप्शंस डिविजिबल है, तब कुछ सोचा जाएगा। यदि देखते हैं इसको, 17 इकाई 17 9 नहीं जा रहा है, 17 इकाई 17 95 नहीं जा रहा है, 17 इकाई 17 100 नहीं जा रहा है, मतलब कि वाई एक्स और वाई निकालने की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ से आपका ऑप्शन 1 क्या हो गया, राइट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 255। तो एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली वर्क करना है कि कैसे अपन टाइम बचा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रेडिशनली बताता हूँ और एग्जाम में वर्बली अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2 दिया है। फर्स्ट नंबर इज हाफ टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब कि एक्स बराबर क्या है, वाई बाई टू। एंड द थर्ड नंबर इज, मतलब कि जेड बराबर 1/4 ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब कि वाई का 4 दिया गया है। अब देखिए, एक्स के जगह पे आप वाई बाई टू पुट कर सकते हैं, वाई को वाई ही रहने दीजिए, और जेड के जगह पे वाई बाई फोर रख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 2। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको 4 आएगा तो 2y + 4y 6y + y 7y = 8, मतलब कि y का वैल्यू आपको 8/7 आ गया। y का वैल्यू 8/7 है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 विल बी आवर राइट आंसर। इसको वर्बली कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, फर्स्ट नंबर इज हाफ टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर क्या है, 50% ऑफ y है,
एक्स क्या है 50% ऑफ वाई, फिर क्या बोला है थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब कि जेड आपका क्या दिया हुआ है 25% ऑफ वाई है, और तीनों का सम करेंगे तो वाई 100%, एक्स क्या है 50, 150% प्लस वाई 125% में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175% को यदि आप परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो 100, ये इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 2, ए कितना टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, ए 4 टाइम्स, वाई का वैल्यू आपका क्या आ गया 8/7। इसको आप वर्बली दिमाग में भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको एपी क्या होता है वो मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं। एपी सीरीज होता है जहाँ पे हर एक जो नेक्स्ट टर्म आएगा, मतलब कि नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म में जो है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सेम डिफरेंस रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हर में आपको डी जोड़ा गया है, हर एक नेक्स्ट टर्म में आपको डी जोड़ा गया है, तो इसको हम लोग एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। थ्री नंबर्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको यहाँ पे आप यदि आप ए प्लस डी और ए प्लस टू डी यदि तीन नंबर ले लिए तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे आपको स्मार्टली क्या लेना पड़ेगा, पहला नंबर ए माइनस डी, दूसरा नंबर ए और तीसरा नंबर आपको ए प्लस डी लेना पड़ेगा। हुज सम इज 30, यदि तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी टू कट गया, 3a इज इक्वल टू कितना आएगा 30, मतलब कि ए का वैल्यू आपको कितना आया 10, ए का वैल्यू कितना आया 10। अब क्या बोला गया है एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब कि ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है 910। अब ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 910। ए का वैल्यू आपको 10 आ गया है, इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 910। जीरो से जीरो कट गया। आप देखिए 100 में से आपको 9 घटाना पड़ेगा तभी आप 91 लाएंगे, तो इसका मतलब डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 9, तो डी का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। डी का वैल्यू -3 भी आ सकता है, बट आप 3 ही लीजिए, -3 लीजिएगा तो ए माइनस डी आपका मैक्सिमम टर्म आ जाएगा, तो आप 3 लीजिए। चलिए ए डी बराबर -3 भी लेके आपको दिखा देते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन एपी, यदि आप ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे तो ए प्लस डी, जब डी पॉजिटिव है तो 10 + 3 13 आ जाएगा, यदि डी निगेटिव है तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा ए माइनस डी, मतलब कि 10 - -3, मतलब कि दोनों केस में आपका आंसर 13 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, 13 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली बहुत इजी है, आपको मैं बता दूं 11 का क्यू, यदि आपको क्यू यदि याद है, कुछ नंबर्स का क्यूब यदि याद है, 11 का क्यू कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 14 का क्यूब कितना होता है 15 का क्यूब कितना होता है, तो अब देखिए -2197 मतलब 2157 है, तो इसका कितना -13 आ जाएगा, -125 का -5 क्योंकि क्यूब रूट है, भागा 27 को करेंगे तो 3, 512 को करेंगे तो 8, मतलब कि 65/3 × 8, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 4 × 52 मतलब कि 520/3, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 520/3। ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए कनाल ऑफ ए विलेज कैन बी क्लीन्ड बाय 24 विलेजर्स इन 12 डेज। अब देखिए M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2, यही वाला यूज करना है। अब 24 विलेजर है मतलब कि 24 आदमी है, 12 दिन में एक काम को करता है, तो द नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है इन विच 36 विलेजर्स सेम काम करेगा, 12 से देखिए 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 8 टाइम्स जाएगा, मतलब कि डी का वैल्यू कितना आया 8 डेज। तो ऐसे ऐसे बहुत कम से कम 20-30 क्वेश्चन आते हैं जो आप इजिली आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, 8 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का टाइम एंड वॉक पे है, हालांकि पहले वाला इससे पिछला क्वेश्चन भी टाइम एंड वॉक का ही था। तो टाइम एंड वॉक में मैं यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ए एंड बी, चलिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ओके।
बी एंड सी मतलब कि बी प्लस सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज 24 डेज, ए एंड सी इन 36 डेज मतलब कि ए प्लस सी आपको 36 डेज में। चलिए इसका एलसीएम लेंगे 72 मतलब कि 18 वाला कितना आएगा आपका, यदि इसको एलसीएम यदि अपन लिए तो 72 आया, यदि 18 वाला लेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, 24 वाला 3 टाइम्स और 36 वाला 2 टाइम्स। तो अब देखिए टोटल को यदि मिलाएंगे तो आपको कितना आ रहा है, 2a है 2b भी है और 2c भी है, वो टोटल काम आपको कितना दिन में कर देगा, 72 बाई 4 3 7 2 9 मतलब कि 8 डेज में, मतलब कि 2a 2b और 2c मिला के 8 दिन में, 8 दिन में काम कर रहा है, तो ए बी सी दोनों मिला के आपको कितना दिन में काम करेगा, 16 डेज में, क्योंकि डबल हो जाएगा। यदि 2 ABC का 2 गुना जो आदमी है वो 8 दिन में काम करता है तो ABC कितना दिन में करेगा, डबल मतलब कि 16 डेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अपन स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। रमेश एंड रहाना कैन डू ए वर्क इन 20 एंड 25 डेज। तो रमेश को अपन RM लिख रहे हैं, चलिए रहमान कितना दिन में कर रहा है, रमेश 20 डेज में, रहमान 25 डेज में। आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 डेज ऑफ वर्क, तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग 100 ले लेते हैं 100, तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, 5 वर्क करेगा, एक कितना करेगा, 4 करेगा, ठीक है। तो 5 4 मतलब एक दिन में टोटल 9 वर्क कर रहा है, तो कितना बोला है, डूइंग कलेक्टिवली 10 डेज ऑफ वर्क मतलब कि यदि 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 90। तो बचा हुआ मतलब कि शेष काम आपको कितना बच गया, शेष जो काम है वो आपको कितना बच गया, 10 10 बच गया, क्योंकि टोटल भाग को एलसीएम मेथड से हम लोग 100 लिए हैं, उसमें से 90 वर्क तो जो रमेश है और रहमान है वो कर ही देता है। फिर बोला है कि दे लीव द वर्क ड्यू टू इलनेस, मतलब कि रहमान और रमेश दोनों वर्क को मतलब काम छोड़ के चला जाता है। सुरेश कंप्लीटेड रेस्ट द वर्क इन 3 डेज मतलब कि 10 काम करने में उसको 3 दिन लगता है, तो टोटल काम आप कितना लिए हैं, 100, तो 100 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा सुरेश को, 30 डेज। ये किसकी बात हो रही है, सुरेश की बात हो रही है। तो टोटल काम तो आप यहाँ पे 100 लिए, अब देखिए 10 जो काम है, सपोज आपको 10 पन्ना राइटिंग करना है, इसी केस में लीजिए एलसीएम से लिए तो आपको 100 पन्ना लिखना था, जिसमें से रमेश 5 पन्ना पर डे लिख रहा था और रहमान 4 पन्ना पर डे, तो पर डे 9 पन्ना हो रहा था, 10 दिन में 90 पेज तो लिख दिया है, तो आपको बचा कितना है, 10 पेज लिखना, और 10 पेज लिखने में सुरेश जो है 3 दिन लेता है, लेकिन आपको काम टोटल कितना का है, 100 पेज लिखने का, तो 100 पेज लिखने में कितना लेगा, 30 डेज का काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 30 डेज विल बी आर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्स माइनस वन लेबर्स इन एक्स प्लस वन डेज M1D1 मतलब कि एक्स माइनस वन लेबर इन एक्स प्लस वन डेज। ओके, अब वर्क का रेशियो दिया गया है, तो वर्क का रेशियो दिया गया है तो ये तो वर्क हो जाएगा। फिर क्या बोला, एंड दैट डन बाय एक्स प्लस वन लेबर इन एक्स प्लस टू डेज, इसका रेशियो आपको कितना दिया गया है, 5 बाई 6, एक्स प्लस वन गया, 6 माइनस वन में 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। यदि एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 16, मतलब कि x का वैल्यू कितना आएगा, 16। आपसे पूछा क्या गया था, x का वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1 मतलब कि 16 डेज विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। चलिए ये एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन, इसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, अगेन एलसीएम मेथड लेंगे, 10 डेज में काम कर रहा है ए, एंड बी कैन डू इन 12 डेज, चलिए बी कितना दिन में काम कर रहा है, 12 डेज में, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, जो अभी के लिए इसको 60 ले लेते हैं, कुछ भी एलसीएम निकाल सकते हैं या 120 भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट एलसीएम से हमको मतलब नहीं है, 12 और 10 का मल्टीपल आना चाहिए उससे मतलब है। तो अब देखिए यदि टोटल सेम आपको 60 पेजेस
पढ़ाई करनी है, 60 पेजेस टाइप करना है, तो 10 डेज में कितना, तो पर डे आपको कितना आ जाएगा, पर डे आप यदि आप निकालेंगे तो पर डे आपको कितना आ जाएगा, 6 पेजेस या 6 करना है आपको काम, 12 डेज में करना है, तो मतलब 5 वर्क पर डे इसको करना पड़ेगा। दे वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज, मतलब कि एक दिन में वो लोग कितना काम कर रहा है, 11 वर्क कर रहा है, टोटल आपको कितना काम करना है, 16 काम करना है, ये ध्यान में रखिए। तो 3 दिन में आपको कितना हो जाएगा, 3 दिन में ये लोग 33 वर्क कर लेगा, ठीक है, तो 33 वर्क कर लिया, तो जो शेष काम है वो शेष काम कितना बच जाएगा, यदि 60 करना था 33 कर दिया तो 27 काम करना है। लेकिन क्या बोल रहा है, देन बी लिव्स, बी तो छोड़ दिया, ए अलोन कंटिन्यूज, ए काम करते रहता है, 2 डेज आफ्टर, मतलब कि बी के जाने के 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक ए अकेले काम किया, तो ए क्या करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, तो अब बचा हुआ काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, 15, ओके। 2 दिन के बाद सी ज्वाइन करता है, एंड द वर्क आर कंप्लीटेड इन 2 डेज। अब देखिए टोटल काम आपको 15 करना है, तो 2 दिन में काम होता है, तो बी तो गया, ए काम करेगा 2 दिन में कितना, 12, तो 2 दिन में सी, अब कितना टोटल काम आपको 15 करना है, तो सी 2 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, तभी तो 15 होगा, तो 1 दिन का काम, मतलब कि सी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1.5। अब देखिए 1.5 काम करता है कितना दिन में, 1 दिन में, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, 40 डेज में, क्योंकि हम लोग टोटल वर्क को एलसीएम मेथड में यही होता है, टोटल वर्क को कितना लिए हैं, 60, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपको, ऑप्शन 3, मतलब कि 40 विल बी आवर, 40 डेज विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 15 को इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी के पेपर में सबसे ही कॉन्सेप्चुअल और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला पूछा गया था, जो कि थोड़ा जिस सवाल में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी मारा है मैंने, वेरी गुड भी दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट मांगेगा इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट नहीं, हालांकि आपको एक पैटर्न फॉलो करना है ताकि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप जरूर देखें इसके सॉल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, सबसे पहले बात कि आप फ्रैक्शन x by y लेंगे, तो द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स मतलब x बराबर m गुना n ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स है, अभी ये न्यूमरेटर की ही बात चल रही है। वन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन द अदर बाई 2, मतलब कि m और n में से एक नंबर जो है दूसरे से 2 बड़ा है, तो चलिए m इज इक्वल टू n प्लस 2 ले लिए, हम लोग m को बड़ी संख्या ले लिए, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि m को हम लोग बड़ी संख्या लिए हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाई 4, मतलब कि जो डिनोमिनेटर y है, मतलब कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब ग्रेटर नंबर है, उससे 4 ज़्यादा है, तो m प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, इफ द डिनोमिनेटर इज 7 प्लस c, मतलब कि y का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 7 प्लस c, तो 7 प्लस c आपका क्या है, m प्लस 4 है, तो यहाँ से आप c इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू m माइनस 3 बोल सकते हैं, इसका कहने का क्या मतलब कि m इज इक्वल टू c प्लस 3 बोल सकते हैं। सिमिलरली यदि n करेंगे तो n कितना आएगा आपका, यदि m c प्लस 3 है तो n कितना आ जाएगा आपका, c प्लस 1 आएगा, ठीक है। m कितना आया, c प्लस 3 आया, n कितना आया, c प्लस 1 आया आपको। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं कि अब आगे हम लोगों को क्या करना है। तो अब देखिए अब यदि इसको ऐसे करें, अपन आगे क्या लेना है, x बाई वाई फ्रैक्शन, तो x बाई वाई ही है, तो x वाई को हम लोग क्या लिए, एम एन, एक्स इज इक्वल टू एम एन है, तो एम एन के वैल्यू को हम लोग सी के टर्म से लिखते हैं, तो c प्लस 3 इंटू c प्लस 1, ओके,
अब देखिए y का वैल्यू आपको कितना लेना है, 7 प्लस सी लेना है। अब क्या करना है आपको, 7 प्लस सी को एक कोई कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है k। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन के लिए तो 7 प्लस पी को एक कांस्टेंट k ले लीजिए, तो आप सी प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, के माइनस फोर लिख सकते हैं। सी प्लस वन इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, के माइनस सिक्स लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो सी प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या आया है, के माइनस फोर। सी प्लस वन इज इक्वल टू क्या आया है, के माइनस सिक्स। सेवन प्लस सी को तो अपन के ही ले लिए हैं। अब देखिए इसको यदि आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 24 बाई के। अब आपसे पूछा क्या गया है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसको आप होल स्क्वायर के टर्म में लाने की कोशिश कीजिए। तो आप इसको k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 बाई के प्लस 1 किए तो माइनस 1 बाई के आपको करना पड़ेगा। अब देखिए जो ये चीज़ है k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, के माइनस फाइव का होल स्क्वायर है, के माइनस फाइव का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 के बाई के माइनस 1 बाई के। ये किसका वैल्यू आपको आया है, एक्स बाई वाई का वैल्यू आया है। अब आपको एक कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है कि सी इज ग्रेटर देन माइनस 7। तो 7 प्लस सी, 7 प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो k का वैल्यू आप लोग कितना लिए हैं, k का वैल्यू 7 प्लस सी लिए हैं, मतलब कि आपको k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखिए a होल स्क्वायर तो हमेशा आइदर 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ये तो पता है, और k पॉजिटिव है। तो इस x बाई वाई का वैल्यू मिनिमम आने के लिए, x बाई वाई का वैल्यू आपको मिनिमम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो k माइनस फाइव का होल स्क्वायर है उसका वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब कि k का वैल्यू आपको 5 होना चाहिए। तो k का वैल्यू आपको कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब देखिए x बाई वाई का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला पूरा वैल्यू तो आप कितना लिए, 0 ले लिए हैं, ठीक है, तो 0 ले लिए, बटा बचा कितना है, 1 बाई के, मतलब कि माइनस 1 बाई 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 माइनस 1 बाई 5 विल बी आवर राइट आंसर। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको ए वाला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप जरूर बताएं, या फेसबुक ग्रुप में भी जो मेंबर्स हैं वो मेंबर फेसबुक ग्रुप में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़, अपने तरफ से आप कुछ तो इनपुट दे सकते हैं, आपको लिए इतना किया जा रहा है, तो शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलिए। ऐसा मत सोचिए कि SSC का फॉर्म नहीं आया है तो जब फॉर्म आएगा तब अपन प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा मत सोचिए, अभी से लगे रहिए, क्योंकि डिसकंटिन्यू स्टडी करने से ना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो एक ही घंटा पढ़िए, दो ही घंटा पढ़िए आप, बट डेली कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 16 to 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।